सीएम जयराम बोले, हिमाचल में कालाबाजारी की गुंजाइश नहीं, जो करेगा वो भुगतेगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों को चेताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कालाबाजारी की गुंजाइश नहीं है, अगर कोई करेगा वो भुगतेगा भी। सीएम जयराम ठाकुर आईजीएमसी ने ओपीडी ब्लॉक व प्रस्तावित पार्किंग स्थल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में बेड की क्षमता बढ़ाने के लिए ने ओपीडी ब्लॉक का निरीक्षण किया। आईजीएमसी में कोविड मरीजों के लिए अतिरिक्त 500 बेड क्षमता को जोड़ा जा रहा है। ओपीडी ब्लॉक के 2 फ्लोर कोविड मरीजों को डेडिकेट कर दिए गए हैं, बाकी फ्लोर भी तैयार है, बस बेड आदि लगाने की औपचारिकता बची है। अगली खबर, कोरोना कर्फ्यू की नई बंदी से नाकों पर पुलिस कर रही पूछताछ, पहचान पत्र दिखाने के बाद ही जाने की अनुमति। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की नई बंदी से आज से लागू हो गई है। प्रदेश के प्रवेश द्वारों और जिलों के नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा लग गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न कर सके। पुलिस ने सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी है, आवाजाही करने वालों से पूछताछ की जा रही है। लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही गंतव्य की ओर जाने दिया जा रहा है। जिला कुल्लू में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 10 बजे खुली। दुकानें खुलते ही मेडिकल स्टोर, राशन की दुकानों के बाहर लोग सामान खरीदने के लिए पहुंचे, हालांकि अन्य दुकानों में बाजार में ताले ही लटके रहे। अगली खबर, बोर्ड को 2.49 रुपये प्रति यूनिट बिजली बेचेगी सरकार, बीते वर्ष के मुकाबले 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष 2.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड को अपने हिस्से की बिजली बेचेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दरें तय कर दी है। बिजली बोर्ड को 555 मिलियन यूनिट बेचकर सरकार को 138 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। 31 मार्च 2022 तक बिजली बेची जाएगी। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रति यूनिट में 5 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगली खबर, मकान मालिक ने घर आने से किया इनकार, संक्रमित महिला के साथ 2 दिन टैक्सी में रहा परिवार। महिला के कोरोना संक्रमित आने के बाद मकान मालिक के इनकार की वजह से परिवार को 2 साल के बच्चे के साथ 2 दिन तक टैक्सी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग में टैक्सी चालक का कार्य करने वाला परशुराम 2 दिन पहले पत्नी को चेकअप के लिए शिमला ले गया था, जहां जांच के दौरान पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पत्नी की हालत ठीक थी, जिस पर डॉक्टरों ने परिवार को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी। परशुराम पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ घर आ गया। यह परिवार करसोग में किराए के मकान पर रहता है। ऐसे में परशुराम ने मकान मालिक को पूरे मामले को लेकर अवगत करवाया, लेकिन मकान मालिक ने कोरोना के खतरे को देखते हुए परशुराम को कहीं और ठहरने की सलाह दी। परशुराम कोरोना पॉजिटिव पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ 2 दिनों से टैक्सी में ही समय काटने के लिए मजबूर था। इस मुश्किल घड़ी में कोई भी व्यक्ति परशुराम की ओर मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं था। आखिर में कहीं से मोबाइल नंबर लेकर परशुराम ने डीएसपी गीतांजलि ठाकुर से मदद की गुहार लगाई। डीएसपी बिना देर किए पुलिस की टीम के साथ परशुराम की सहायता के लिए पहुंची। इस दौरान न केवल डीएसपी ने मकान मालिक से बात करके परशुराम को क्वार्टर पहुंचाया, बल्कि परिवार के लिए राशन पानी की भी पूरी व्यवस्था की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की रोजाना नई खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।